नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हम जो है तो हमारे घर पे एक बहुत अच्छे मेहमान दोस्त हमारे साथी और हमारे जिला परिषद के साथी जनाब सुरेश जी गायकवाड़ साहब आए। ये सुरेश गायकवाड़ जो है हमारे सर्विस के साथी के साथ के अलावा एक दोस्त, एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत के तौर से भी हम उनको जानते हैं। हालांकि मैं उनको रिटायरमेंट होके 2003 में हुआ और जिला परिषद छोड़ के तो उससे भी ज्यादा अरसा हुआ, लेकिन हमारे ताल्लुकात अभी तक उनसे वैसे हैं जैसे पहले थे। और ये एक हरदिल अजीज आदमी है, हर समाज में, हर कम्युनिटी, हर उसमें इनके जो ताल्लुकात रहते हैं। और इन एक अच्छे जमींदार भी है और माशाल्लाह से अपनी जिंदगी अच्छी वेल टू डू गुजार रहे हैं, सर्विस भी अच्छी करते हैं और हर एक से ताल्लुकात इनके बहुत अच्छे रहते हैं। अब मैं जो है उनकी इंट्रोडक्शन उन्हीं की जबानी से मैं चाहूंगा कि जनाब सुरेश जी है तो अपना थोड़ा सा तारुफ यानी इंट्रोडक्शन कराए और उसके बाद हमारी गुफ्तगू आगे हम बढ़ाते जाएंगे। जनाब सुरेश जी गायकवाड़, आप अपनी ज्यादा इंट्रोडक्शन कीजिए। नमस्ते। एजाज हुसैन साहब हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर थे, आज भी है। आज भी अगर हमको कोई परेशानी अगर आती है तो हम आज भी उनकी राय लेते हैं और वो हमेशा अच्छी राय देने में हमारे जिला परिषद औरंगाबाद में माने जाते हैं। पॉजिटिव और उनका थिंकिंग जो होता है हमेशा पॉजिटिव रहा है। उनके पास में हर समाज के हर तबके के लोग आते हैं और वो जो इतनी अच्छी बात उनको समझा के बताते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे खेड़े के लोग आते हैं जिनकी जमीन रहती है, वो आने के बाद में उनको जो तो सही गाइडेंस कोई देते नहीं फसल के बारे में, पानी के बारे में, दवाओं के बारे में। लेकिन हमारे साहब जो तो उनको बुला के चाय पिला के बताते थे कि देखो भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ये नहीं ऐसा, ये चीज में ये ऐसा मिक्स करो, ये फौरन ऐसी करो, ये बीज लो, बीज को अगर समझो कोई शॉर्टेज हो तो साहब खुद गाड़ी पे बिठा के उनको जाके बीज ला के देते थे। खेती वाले मैं तो समझता हूँ साहब के पास में दुआ का बहुत बड़ा भंडार है हमारा औरंगाबाद का। और आज भी उस दुआ के ऊपर साहब की तबीयत आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और साहब के पास साथ एक बात ऐसी है कि हर धर्म के अंदर उनके रिलेशन बहुत अच्छे है और वो जो हर धर्म की बात पहले सब सुन लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते, लेकिन कभी भी किसी धर्म के बारे में अपनी राय एकदम कायम नहीं करते। सबसे पहले उनका रिसर्च, जैसे हमारे में कहते हैं पहले परीक्षण नंतर निरीक्षण नंतर मग डिसीजन असतो, तो वैसी बात है इनके साथ में। साहब का कुरान के ऊपर बहुत अच्छा अभ्यास है, कुरान की बातें वो जब समझाते ऑफिस के अंदर तो सारा स्टाफ जो तो परेशान हो जाता है कि सही कुरान में क्या लिखा है। कभी कभी हमारी उनकी बात होती थी, कभी हम भी गीता के बारे में उनको बताते थे तो साहब जो तो पहले बोलते नहीं, पहले बैठो हमको समझाओ कि ये क्या है और उसके बाद में फिर कुरान का जिक्र वहां से स्टार्ट होता था। तो साहब से ये बातें हमको बहुत कुछ सीखने को मिली। ऑफिस के अंदर डिसिप्लिन, ऑफिस के अंदर उनका जो कमांड था प्रशासन के ऊपर तो बहुत अच्छा था उनका। जिला परिषद सदस्य रहो, हमारे सीओ साहब रहो, उनके साथ में कैसा हैंडल किया जाए, कैसा बर्ताव किया जाए, कर्मचारी और अधिकारी को दोनों का जो समन्वय रहता है, मीडिएटर, बहुत अच्छा काम किया। मैं जनाब सुरेश गायकवाड़ साहब से उनका तारुफ करवाना चाह रहा था। उन्होंने जो है तो मेरे बारे में जो बहुत सी खूबियां मुझे जोड़ दी, मैं उसका तो हकदार हूँ या नहीं हूँ, मैं तो शायद नहीं समझता अपने को कि मैं ऐसी इतनी कोई खूबियां मेरे में नहीं है जो लोग मेरी तारीफ करें। मैं अपनी हद तक लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और ऐसे कई वाकयात हुए। एक वाकया जालने का था, जालने में एक काश्कार मुझे मिला रास्ते में और मैं पैदल चढ़ा था, वो मोटरसाइकिल पे से उतरा। मैं डीआरडी में था तो डीआरडी में उसका एक जो कम जमीन वाले अल्पभूधारक जो बोलते हैं वो लोगों की खेती को बॉडी न्यू वेल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारा प्रोजेक्ट बना के देना था और वो प्रोजेक्ट के बाद करंट, तो मैंने उस शख्स का सब कुछ करके बैंक ऑफ इंडिया से लोन भी दिलाया था और मैं भूल भी गया था। वो रास्ते में मिला, उसने क्या किया, मोटरसाइकिल रोका
और बोला आपकी चप्पल जूता उतार। मैं बोला ये क्यों उतार, क्या बात है। और वो झट से पैर के छूने लग। मैंने उठा रहे ये बहुत बड़ा गुना है हमारे पास, ऐसा करते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं बोले तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है, तुम भगवान मतलब भगवान भगवान की बात नहीं है। आदमी हर एक अपनी ड्यूटी कराते वही होगा जो मैंने किया। असल में लोग अपना फर्ज पूरा नहीं करते। अब ये चीज ही है, ऐसी कुछ चीजों की झलक इन्होंने देखी। और ये बात मगर मेरा यहाँ पर जो है तो खुद सुरेश गायकवाड़ की जो खूबियां हैं उसका तस्करा करने का था कि ये इतना बाहिम्मत भी शख्स है और एक खुले दिमाग का भी है। और कुछ जो लोग शरीर मुनाफिकाना टाइप के जो होते हैं, हाइपोक्रेट्स टाइप के रहते, उनको ये हमेशा पॉइंट आउट करता था। यानी मेरे को भी धोखा देने वाले बहुत आते थे, काफी सर है बोले बन के आना साहब ये साइन कर दो ये कर दो। हमेशा तंबी करने वाला जो शख्स था ये ही था। साहब देखिए ये इसके बोलेपन पे मत जाइए, ये आपके जरिए जो है फायदा उठाना चाह रहा है। और लीनियंसी जो है तो हमेशा बाद खुद ऑफिसरों को धोखे में लाए। ऐसे कई जो है लोग हमको मिले जो हमारी लीनियंसी फायदा उठाए और वो गैर फायदा थे। सही बोले तो वो एक किस्म का गुनाह है जो हमसे होगा। हम ये नहीं बोलते कि बहुत हमने अच्छा काम किए और ये करें, क्योंकि हमसे जो फायदा उठाने वाले लोग ऐसे भी आते थे हमारे। तो इसलिए मैं सुरेश जी की एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास में एक ऑफिसर थे, तालुके के जितने भी ऑफिसर सब साहब के अंडर में थे। तो एक ऑफिसर ऐसा था जिसको घर के लिए ट्रैक्टर लेने का था, लोन लेना था, और बच्चे को लोन लेना था, उसकी गारंटी होना था। तो उन्होंने साहब को बोले साहब ये मेरा पे स्लिप है, बोले इसके ऊपर आप साइन कर दो। बोले तो साहब ने बोले ठीक है भाई क्या काम है। तो बोले बोले ऐसा मेरे को लोन लेना है सर। तो साहब ने जब उसके ऊपर साइन कर दिया चले गए। तो मैंने साहब को पूछा मैं साहब आपने क्या किए, तो बोले मैं उसको सैलरी सर्टिफिकेट था उसमें साइन करके दे दिया। तो मैं बोला साहब वो अपने पास सर्विस भी नहीं है, ठीक है अपने अंडर में, लेकिन उसका पेमेंट तालुके से निकलता है। तो सब अरे यार अब तो क्या करना वाला जानता साहब तुमने करे। तो बेचारे को उसने दिल में से दुआ दिया लेकिन गलत काम किया था। लेकिन एक बात है कि साहब ने जब भी कोई ब्लाइंडली भी अगर साइन करे होंगे तो स्टाफ ने कभी भी उनको धोखा नहीं दिया। और आज भी ऊपर वाले की दुआ से जितने ऑफिसर आप गवर्नमेंट सर्वेंट में देखते हो जितने भी हैं, जो ज्यादा बारिश की देखता कहीं ना कहीं उसकी पेंशन रुक जाती है, कहीं ना कहीं उसकी डी चालू होती है, कहीं ना कहीं उसको सस्पेंशन का सामना करना पड़ता। लेकिन ऊपर वाले की दुआ देखो कि सामने अगर कभी किसी ब्लाइंड पे भी अगर साइन कर दी ब्लाइंडली तो साहब का जरा भी कुछ ना, और सामने वाले का तो काम होगा और उसने दिल से दुआ दिया। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं साहब को दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है और ऊपर वाले ने वो बहुत दिया है। ये हमारे ऑफिस का वाक्य आपको बताया कि सच्चे दिल से अगर कोई काम किया जाए ना तो ऊपर वाला उसको रोकता नहीं। माशाल्लाह से ये जो बात है कि मैं क्या है मतलब किसी को आया जाता, वो हमारे ये थे डिप्टी अकाउंटेंट साहब थे या खरा साहब थे, बड़े लोग काम करने के वास्ते आ जाते थे। और वो मैं अपनी गाड़ी पे लूना पे कहाँ पर हूँ रोशन गेट पे, उन झट से चेक लाए साहब जीपीएफ का चेक है साइन कर दीजिए साहब। अरे बाबा मैं बोला मैं कहा नहीं वो सब मैं कर लेता। ये हमारे पास जो तो उन रास्तों में चेकों पे साइन आई और अल्लाह की फजल से किसी किस्म का वो नहीं। एक वक्त हम चले गए थे हैदराबाद, वो भी हमको यहाँ के लोगों ने जबरदस्ती एक रिश्ते के वास्ते लेके चले गए, चलो चलो कल आएंगे। कल आए आए नहीं, और पहली की तनख्वाह, वो तनख्वाह यही लोगों ने क्या किए मेरी सिग्नेचर नहीं होते हुए कोऑपरेटिव बैंक से पैसा निकाले, सबकी तनख्वाह तकसीम की, और मैं आने के बाद सब सीख, यानी एक भरोसा और एक एतमाद ऐसा हमको हासिल हो गया था जिससे। तो उसी वजह से अल्लाह का फजल है कि मेरे काम भी बहुत आसानी से। हमारे पास एक जीआर पटेल बोलते थे गफूर पटेल, वो देखे मेरी सर्विस बुक, अरे इसमें ये एंट्री नहीं है साहब, ये एंट्री नहीं, ये नहीं, आपकी तो पेंशन मंजूर हो ही नहीं सकती। बोले इतनी कहाँ करते बैठेंगे। बोले मैं बोला अल्लाह कर देगा यार। और वैसे हुआ, मेरा रिटायरमेंट 31 दिसंबर को 2003 को हुआ और पेंशन मंजूर होकर आ गई 15 दिसंबर, यानी पूरा जो है 15 दिन पहले। और मैंने पूरे जो है तो मेरी पैसे निकाला करा और 10 तारीख को यहाँ से हैदराबाद गया, 15 तारीख को हज के लिए चले गए। और ये मेरे को वहाँ के लोग जो हमारे स्टाफ थे, मैं बोला भाई मेरे को हज को जाना है, साहब बोले आप जाएंगे अगर नहीं आए तो देखो हम पैसे ला के आप। और वैसे ही वो लोगों ने 1,80,000 रुपये मेरे जाने से पहले दे दिए, और मेरे उस जमाने में 1,11,000 में चले गया था 2004 में हज को।
नौकरी के बाद ही, ये सब क्या है, एक हमारी जो ताल्लुक है एक ह्यूमन रिलेशन मैंने हमेशा कायम रखा, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई ये इससे नफरत करो इससे नफरत करो। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर खुद सूरह मुमतहना में गैर मुस्लिम के साथ कोई काट दो काट दो काट दो ये बोल, ऐसा नहीं है उसमें, तो ऐसा लगे अगर वो एहसान करें तुम भी उनके साथ एहसान। अल्लाह और रसूल का दुश्मन हो कोई, अल्लाह को गालियां दे रहा है रसूल को गालियां दे रहा है, उसके साथ आम इंसान तो इंसान है हा? उसके साथ भी आपको ऐसा, आपको रिलेशन ह्यूमन रिलेशन पहले, खुद खुदा ने क्या बोला कि सारे सारे इंसान एक आदम की औलाद है तो सब भाई हो गए, तो इस्लाम में ब्रदरहुड है हर एक भाई, सुरेश भी वही आदम की औलाद है तो मैं भी वही आदम की औलाद, दोनों अलग अलग कहां से आ सकते, भाई है ना सर। तो ये रिलेशन की वजह से हम लोग जो तो हमेशा, मैं तो स्पेशली हर जगह कहीं भी, और मैं खुद सुरेश से उर्दू में गीता लिया और उसके 18 अध्याय पूरे पढ़े और मैं वो डिस्कस करता था, इत्तेफाक से मैं जो बनारस से एक वक्त इलाहाबाद से आ रहा था और लोग जो है उधर से आ रहे थे बनारस से इधर से काशी से आ रहे थे, तो इतनी गाड़ी में रश था जिसके अंदर, मगर एक वो रहता साइंटिफिक वो कि भाई जो सामने आ रहे कहाँ से, मैं बोला काशी से आ रहे, तो मैं समझ गया कि इनके जो पूज्य है शख्सियत है उनकी डिस्कशन करें तो इनका हमारा रिलेशन हो सकता। तो मैंने गीता की बातें शुरू किया, श्री कृष्ण जी की बातें करा, वो लोगों ने जहाँ पे खड़े रहने को जगह नहीं थी मेरे को आराम से लेटने को जगह, तो ये है रिलेशंस का जो है ये है, और इसी से मेरी कामयाबी। जिला परिषद में एक साल रहना मुश्किल होता लोगों, मैंने 8 साल जो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अफसर बोल के गुजारा और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के मैं जो 3 वक्त जो है एज ए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ पे काम किया। ये अब ये जो है इसकी एक वजह ये भी है कि हमको जो साथी मिले, सुरेश जैसे भी मिले, कोई अगर बदमाश भी मिला तो अच्छे लोग भी मिले। एक हमारे पास एक रहता नफ्से लवामा, एक रहता नफ्से अम्मारा, अम्मारा नफ्स क्या करता बुरी चीज की तरफ, लवामा नफ्स जो है तो क्या करता तंबी करते रहते, तंबी करने वाला हैमरिंग जिसे बोलते, वो हम में भी रहता। तो अगर हम में नहीं है वो तो कोई बाहर वाला हमको हैमरिंग करा तो उसका भी शुक्रिया अदा करना। तो सुरेश हमेशा ये खास बात है, सुरेश हम मेरे को हमेशा है। देखिए ये जो फायदा हो रहा है आपसे गैर फायदा उठा रहा ये हमेशा, हमारे खुद जो तो पटेल साहब के हर दामाद की मोटरसाइकिल है तो मेरे इसके गारंटी मेरे हाथ से लेते थे, अरे भाई पटेल कितने ला रहा है मोटरसाइकिल, नहीं नहीं वो बेटे को ले रहा हूँ मैं इसको ले रहा हूँ, मैं बोला चेक क्या है भाई कहाँ कहाँ ले रहा है कुछ पता नहीं रहता था, मगर अल्लाह की वजह से हर एक जो है तो मेरे किसी के वजह से कोई तकलीफ नहीं, सही कोरे कागजों पर दस्तखत करे हुए उसके मेरे को आज तक तकलीफ नहीं, ये मेरी जो थी जिंदगी का वो। अब सुरेश के भी जो है कुछ और जाति में बढ़ के कुछ कहें, वो मेरी तारीफा कर रहे हैं तो मेरी तारीफ करने में कुछ हो नहीं है, तो ये इंसान के साथ अच्छाइयाँ जुड़ने से उसकी खामियां कुछ हैं तो वो भी बताना चाहिए, क्योंकि अच्छाइयाँ का तो क्या है कोशिश करते हैं, जो अच्छाई अगर किसी ने बोला तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि ये अच्छाई शायद नहीं है तो आ जाए मुझे, ये हो नहीं सकता कि वो अच्छाई हो है? तो ये हुस्ने दन बोलते हैं, हुस्ने दन उन्होंने मेरे साथ रखे हैं, तो अल्लाह ताला वो हुस्ने दन जो वो रख रहे हैं वो मुझ में पैदा कर दे, ये मैं दुआ करूंगा अल्लाह से। अब मैं चाहता हूँ कि सुरेश जी भी खुद जो है तो अपने कुछ अपनी लाइफ के अंदर अपनी कोशिशों के बारे में और अपने ख्वाहिशात के बारे में कुछ खुद बयान करें, मेरे बारे में तो कहने से क्या, मैं अपना तारुफ करा उनका सुरेश जी की बातें मैं चुनना चाह रहा हूँ। सर कैसा है कि आपके सामने कोई तारुफ करना, हमारे जैसे कुछ बोलना तो ऐसा है वो सूरज के सामने दिया लेके घूमने की जो बराबर है, क्यों सकता ऐसे ही बात। तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ कि मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, बीए तक की मेरा एक एजुकेशन हुआ हूँ और जिला परिषद में मैं 1980 में लगा था। 1980 में लगने के बाद में हमारे पीरियड में प्रशासन का एक ऐसी बात थी कि प्रशासन के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी रहते थे बड़े एक लाइन में रहते थे, अधिकारी की उस वक्त बहुत इज्जत थी और अधिकारी इतने ब्रिलियंट थे कि उनके पास में जो स्टेनो रहते थे वो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, जैसे कि आजकल के अधिकारी ऐसे उनके पास में स्टेनो होते लेकिन उनको डिक्टेशन देना नहीं आता, तो उस टाइम के अधिकारी इतने ब्रिलियंट थे कि उनको पूरी स्कीम पहले वो खुद जान लेते थे और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट होता था, पर आज बहुत काफी फर्क पड़ गया है।
उसके बाद में फिर नए नए यंग जनरेशन आने लगे, यंग यंग ऑफिसर जब सेलेक्ट होते हैं तो उनको इतना तजुर्बा नहीं रहता था, फिर उसमें प्रशासन में बहुत सारी बदलाव आते गए। अब हमारे पीरियड के अंदर जो तो प्रशासन के अंदर और टेक्निकल के अंदर दो ब्रांचेस होती थी, टेक्निकल के अंदर साहब जो तो उधर का पार्ट संभालते थे और वो हमारे पास प्रशासन अधिकार भी तो उधर का भी पार्ट संभालते, इससे साहब को जो तो दोनों का मेडिटर बनते थे, एक तरफ टेक्निकल भी देखना और एक तरफ हमारा प्रशासन भी देखना। तो उसके अंदर साहब को पूरा अनुभव आता था कि ये लोग कैसे और ये लोग कैसे। तो फिर वहां से हमारी बहुत सारी बातें होती थी और उसमें साहब से हमने बहुत सारी बातें सीखी। साहब ने हमको दो तीन बातें इतनी अच्छी सिखाई कि जब दो चार महीने में छह महीने में एक आदमी रिटायर होने के बाद में उसका हम सेंटअप रखते थे, और ऑफिसर का अगर सेंटअप रहता खास तौर पे साहब को सीओ साहब बुलाते थे जिला परिषद के फंक्शन हॉल में कि साहब आप दो बातें बोली, और साहब जो तो वहां पे इतनी अच्छी बात बोलते थे और उसका जुमला फिर अपना अध्यात्म से लेके उसके पूरे रियल लाइफ तक पहुंचाते थे। तो वहां पे साहब का भाषण नगर समझो उस जब नहीं आए तो लोग को एक बोलता आज साहब नहीं आए क्या बात, आज साहब कहाँ दौरे पे, तो रुको आने दो उनको। तो इतना अच्छा उन्होंने सब बिहेव किया और जो अच्छी बातें होती है उसका तो हमेशा अच्छा ही नाम निकलता है। तो साहब के बारे में इतना हम बताते हैं, हमारे बारे में हमने बता दिया, बस आगे ऊपर वाला है। वेरी गुड सर। आज की डेट बोलते सर, तुम आज की डेट डेट राम दोस्त है 17 नवंबर। सर आज जो है तो जो हमारे पास सुरेश जी आए हैं आज 17 नवंबर है और पीर का दिन है। आज इत्तेफाक से मैं निकला था वहां पर, कहा पंचायत समिति में काम था, वो भी काम ऐसा था कि जैसा सोशल वर्क जैसा मैं बोल कि मैं लोगों के, हमारे एक दोस्त थे सिंधिकर एग्रीकल्चर ऑफिसर, वो एक्सपायर्ड हो गए, उनके पूरी जो है तो खानदान उधर काम बॉम्बे में, अब वो बेचारे बच्चे जो है तो प्राइवेट नौकरियां करते, उनको ऑफिस की झंझटे मालूम नहीं। अब वो रिटायर्ड हुए थे जालने से, जालना जिला परिषद से, और वो समझे जालने में सारी कार्रवाई, वहां गए तो मालूम हुआ कि जालने में से तो कार्रवाई औरंगाबाद मुंतकिल हुई, उनको एक दिन ही मिला था। वो बच्चे आए और चले गए और फिर उनको उनके पिताजी के मोबाइल में मेरा नंबर मिला, कल रात को उनको नंबर मिलते थे, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, बोले अंकल बोले हमारे पिताजी गुजर गए, हमको तब कोई पहचान का नहीं हुआ, मोबाइल में भी जो नंबर है तो कोई मिल रहे तो कुछ मिल रहे नहीं, एक आपका मिला तो आप इतना काम करेंगे क्या हमारे पिताजी के बारे में। तो मैं फौरन जो है तो उसी वक्त रात को ही मैं कोशिश किया कि पहले सबसे पहले सुरेश से पूछ लेंगे कि वहाँ, सुरेश को मैंने फोन किया, सुरेश को फोन के बाद में पहली बात पूछा कि वहाँ वीडियो कौन, इत्तेफाक से वहाँ वीडियो भी जो है तो एग्रीकल्चर ऑफिसर ही शेयर पुराने जमाने के, अब जो है तो वीडियो बन गई परदेश। तो मैं बोला अब काम बन जाएगा, सुरेश भी वहाँ आ जाएगा, सुरेश को भी वहाँ बुला लिया, सुरेश गया का यानी ये भी आ गए वहाँ पर, मैं भी गया। तो हम तो खैर वीडियो साहब आए नहीं मगर उससे पहले ही काम हो गया, हमने वो शिंदीगर को पूरा जो है तो शिंदीगर का वो वहाँ कंसर्न कलर से बता दिए कि भाई उसके डेट के बारे में मैंने रिटर्न लेटर भी दे दिया। तो इस तरीके से जो ये ताल्लुकात हैं, अभी अगर मैं ये बोलता हमारे कई लोगों ने वो बम्मन उसको कोई भी कर लिया जान, ऐसा करते बैठने में इंसानियत ही खत्म हो जाती है। ये क्या हो जाता है पूरे इंसान जो है तो एक पूरा क्या होता है एक यानी हर समाज का आदमी मिलके एक इंसान बनता है और वो एक एक समाज को कट करते गए तो इंसानियत ही खत्म हो जाती है। इसका काम नहीं करेंगे, उसका काम नहीं करेंगे। मेरे से क्या होता था, एक पिंपड़े बोल के था, बड़ा नजदीकी करता था और मुझसे फायदे उठाता था। कई लोग बोले ये बहुत बदमाश है बम्मन आदमी, क्या वो क्या था कि वो बस नजदीकी बहुत करता था, क्योंकि मैं आंध्र का और मेरी मिसेस महाराष्ट्र की, तो वो बोलता था कि भाई आप जीजा जी हैं, अरे लोग बोलते थे जीजा जी, ये कैसा जीजा जी, तो बोले ये साहब की ससुराल इन महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के दामाद है। इस तरीके से वो कैसे भी जो तो मिट्टी जबान तो रहती ब्रह्मन लगती, काम जो है तो उसने करवा लिया। खैर तो ये बात थे कि काम उनसे निकालने वाला आया तो मैं उसको कभी भी जो है वो नहीं करता था और काम इस बात पे से एक बात का पता चलता है, चाहे वो आदमी कोई भी जात का हो कोई भी धर्म का हो, धर्म की एक ही बात सबके ख्याल में आनी चाहिए जो ऊपर वाले ने सिखाया, धर्म सिखाता है आपस में मेल मिलाप, बस ये बात हमने साहब से सीखी और आज भी सही उसी रास्ते पे चलते हैं।
कि हर मजहब सिखाता है आपस में मेल निभाना, एक दूसरे से प्रेम करो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हर धर्म में लिखी हुई, लेकिन लोग जान के भी उसको अनजान बना करते, देख के भी उसको नहीं देखा करते। और हर आदमी अपने अपने धर्म के बारे में आगे बढ़ता है, लेकिन कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, उन्होंने जात धर्म ये अपने हद तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन उसका जो मेन सार है वो जो तो इतना है कि भाई देखो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, वो अकेला तो कोई चीज कर नहीं सकता। वो गांव में भी रहता है तो उसको हर अलग अलग जात के जो लोग रहते हैं उनसे काम पड़ता है। अगर उसका भी उसको कर्ज चुकाना है, उसका भी वो ऋण चुकाना है, तो इसीलिए साहब से ये बात बहुत अच्छी लगती है हमेशा, कि साहब हमेशा मजहब नहीं देखते या कोई जात या धर्म नहीं देखते। अपना आदमी है, उसने मेरे को काम बोला, मेरा काम है करना। हालांकि साहब की इतनी उम्र हो गई, आज साहब का एज रनिंग 78 है, 70, तो उसके अंदर भी साहब इतने अच्छे रहते, तंदुरुस्त रहते। ये क्या है, ये सिर्फ ऊपर वाले को, कि तुम अच्छे काम करो, अच्छे काम किए जाओ, ऊपर वाला देगा। ये बात सिर्फ साहब से सीखने जैसी। मैं तो समझ, बाकी के जितने भी लोग हैं उन्होंने बस इतना भी इंसानियत का एक धर्म रखे, और अपन जहाँ रहते हैं, जहाँ अपने साथी है, उनका भी अपन कुछ देना है। देखो साहब, अगर हर जात वाले ने कोई काम किया है तो जाहिर उससे अपना काम पड़ता है, तो अपन ने भी दिल में रखना है कि नहीं यार, इसका भी अपने को एहसान चुकाना है। तो मैं समझता हूँ फिर कहीं पर भी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती, कोई भी जात में, कोई भी धर्म के अंदर, सब मेलजोल से कार्यक्रम होते। आज भी खेड़े के अंदर जो भी कोई भी जात के तुम देखो, जितने भी बड़े लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, उनके जब भी शादी रहती है तो ऐसा नहीं बोलते खाली हम हमारे लोगों को बुलाएंगे, नहीं, उनको अलग से रखना ही पड़ता है। फिर मैं बोलता हूँ बस ये सब बातें क्यों, तो साहब जैसे और कोई अगर मिल जाए ऐसे बड़े लोग, तो मैं समझता हूँ अपना देश बहुत आगे निकल जाएंगे और कभी भी दंगे धोपे नहीं होंगे अपने पास। असल में ये मजहब पे और इस पे जो दंगे करने वाले वो कैसे रहते, आप फ्रूट्स रहते ना, जैसा एक मौसम भी है, संतरा है, ये मौसम भी संतरे के छिलका रहता है ऊपर और अंदर मगज रहता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो है संतरा है, संतरे के मगज ने छिलके पे लड़ते रहे, हाँ एक मौसमी के छिलके पे लड़ा, अरे वो उसके अंदर मगज, दोनों भी ताकत देने वाली चीज है ना, मगज छोड़ देते छिलके पे लड़ते, हाँ ये छिलके पे लड़ने वाले लोग हैं, मगज को छोड़ देते। मगज में जो है तो खुद जो है क्या है वो देखना चाहिए, हर एक को जो है तो कोई मजहब हो, कोई ये हो, वो एक कोई लॉजिक के ऊपर बेस रहता है, उसको कोई ना कोई लॉजिक रहती है, ये क्यों है ना, वो बताता कि भाई मैं इस वास्ते ऐसा करता हूँ। झट से आप जो है तो आउटर साइड से देख के, छिलका देख के पत्थर मत मारो, हाँ उसके बजाय उसका मगज देखो, उसके अंदर क्या बुनियाद है, उन्हें क्यों कर रहा, उन्हें वो कर रहा है, उन्हें पूछ रहा है, कुछ बुनियाद बनाया होगा उसको, क्योंकि हर एक अपना कोई लॉजिक। आप क्या करना पड़ेगा, पहले भी कोई भी मजहब वाले के वास्ते उसको उसकी क्या दलील है उसके साथ थोड़ी देर चलना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपको भी उसकी जाति वो है मजहब का जो है तो सबसे पहली बात यह है कि इंसान को उसकी जाति रिसर्च से मजहब को करना चाहिए, दूसरा उस पर लादना नहीं चाहिए कि तू हिंदू है झट से मुसलमान हो जा, हाँ कोई मुसलमान है तू हिंदू जा, तू सुन्नी है तू शिया हो जा, तू शिया है तू सुन्नी हो जा, ये कैसा है मालूम, आप जैसा वो है कि कोई अगर शेरवानी पहन रहा है तो उसको ले जाके तो कोट पहना दे रहे कोई वो, ये जो है ना, जब तक के इंसान का अंदर जो है रिसर्च उसका जाति वो नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला ने क्या ला इकराह फी दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है, दीन एक आइडियोलॉजी है, उसको समझो, जो रिसर्च करेगा जो आएगा, अल्लाह ने कभी नहीं बोला कि ये इसको ऐसा सर दबा के ये तैयार करो, ऐसा ऐसा कहीं, इसलिए क्या बोलो, अगर कोई भी अपने मजहब के बारे में जो है अच्छा वो उसके अंदरूनी स्टडी करके अगर करे तो बेरूनी लोगों से भी अच्छा रहे, वो ऊपर के छिलकों पे रहते सब, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मौसम्बी का छिलका है, आम का छिलका है, छिलकों पे लड़ ले रहे लोग, अंदर के मगज का कोई फायदा उठा रहे, इसलिए आप पूरा। और दूसरी बात क्या है, एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ है कि हमारा मजहब बढ़तर, हम जन्नती, हम जाएंगे ऊपर, ये सब जहन्नुमी, अरे जहन्नुमी अल्लाह भेजने वाला तो उनको हवा दे रहा है, उनको पानी दे रहा है, उनको विदा दे रहा है, उन जहन्नुमियों को दे रहा है जिसको तुम काटते फिर, ये काटने फिरने वाले तो ये तो सोचो कि अल्लाह इतना ऊपर बैठा हुआ, उन्हें नहीं सबको एकदम दो मिनट में, दो सेकंड में सबको जला दे सकते, तुम कहीं काट रहे फिर, ये जहन आज जो है तो क्या फैनेटिक टाइप का जो रिलीजियस वो है, ये वो लोग करवा रहे हैं, इस्तेमारी ताकत जिसे बोलते हैं, आज की जो इंपीरियलिस्ट ताकतें हैं
वो ये हर मौसम में फैनेटिक लोगों को ज्यादा ताकतवर होना है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने मजहब के दिए हुए फायदों को उठाने के बजाय दूसरे मजहब वालों पर हमला करके अपना पोजीशन बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, और एक्चुअली अच्छा ही हर एक इंसान में, मगर बुराई ऊपर से दी जाती, बाहर से आती। अल्लाह ताला हर एक को अच्छाई के साथ पैदा करता, बुराई बाहर से आती, और उन्हें अपनी फितरत के लिहाज से चला बिल्कुल अच्छा और कामयाब, और जो तो जिंदगी बहुत ही कामयाब गुजरेंगी। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है सुरेश जैसे लोग भी जो है तो समाज में ज्यादा से ज्यादा हों, और समाज एक पीसफुल, और न सिर्फ हम एक छोटे से मकाम पर, इस छोटे से मकाम से अगर उठे अपन तो पूरा मुल्क, मुल्क से जो तो बैरूनी मुल्क, बैरूनी मुल्क से ग्लोबल पीस के वास्ते ऐसे जहनों की जरूरत है, वरना जो तो ये जो आज का समाज है वो चंद दौलतमंदों के हाथों में, इस्तेमारी कुवतों के हाथों में चला गया है, और लोग जो तो आवाम पीसते जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये चीज खत्म हो और अच्छे अच्छे लोग बड़े हों, यही दुआ करते हैं, और सबसे जो तो रुख्सत चाहते हैं। सबको सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्ते।